देवांजलि मोइत्रा। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भारतीय टीम की उम्मीदों को अपने दम पर जिंदा रखा है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पहले टेस्ट की पहली पारी में 225 गेंदों पर शानदार 149 रनों की पारी खेली। कोहली की इस पारी के दम पर टीम इंडिया अभी भी मैच में बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मैच में शानदार शतक जड़ने वाले कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। बता दें, इंग्लैंड की जमीन पर उनका पहला शतक वैसे उनके करियर का बतौर कप्तान 15वां शतक था। इस मामले में उन्होंने एलन बॉर्डर और स्टीव वॉ की बराबरी कर ली है, जबकि ऐसा कर उन्होंने दुनिया के सबसे महानतम क्रिकेटर की सूची में शुमार पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है। ब्रैडमैन ने बतौर कप्तान 14 शतक जड़े थे। आपको बता दें, बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक पूर्व साउथ अफ्रीकी कप्तान ग्रिम स्मिथ के नाम है। उन्होंने अपने करियर में बतौर कप्तान 25 शतक जड़े हैं, जिसके बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग का नाम है। इनके नाम 19 शतक दर्ज है। खैर, जिस तरह से कोहली में रनों की भूख है, उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि बहुत जल्द कोहली इन दोनों महान कप्तानों का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे।